Hey guys, welcome back to Pooja's family channel and I'm Pooja. So guys, कैसे हो आप सब? I hope आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ. जैसा कि आप लोग मुझे हर वीडियो में देखते ही हो कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ. तो बस चलो कर लेते हैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग. तो वही बस ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली है मैंने आकांक्षा के साथ. यहाँ पे आकांक्षा के साथ मैं कर रही हूँ थोड़ी सी मस्ती. तो मैं आकांक्षा को लगा रही हूँ यहाँ नेल पेंट. तो ऐसा होता है ना, उन्हें नेल पेंट लगाओ तो वो नेल पेंट लगाने के बाद उनको फूंक मारो यानी कि सुखाओ उसको नेल पेंट को, तो वो बहुत हंसती हैं. तो वही कुछ लुक यहाँ, वही कुछ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. तो बस अभी यहाँ पे होगा, मैं उनसे बोल रही हूँ चलो अपनी मॉम के पास. तो यार गाइज, उन लोगों को उसे हमारी आकांक्षा को इतना पता है कि अगर बाहर जाना है तो चुन्नी ओढ़ के ही जाना है. तो वो बार बार, आप लोग देख ही सकते हो, मैं जैसे ही उठ रही हूँ वो बार बार मुझे चुन्नी ला के दे रही हैं कि नहीं बाहर चलो मॉम पास, चलो मॉम पास. तो बस यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो कि वो मुझे चुन्नी उड़ा के ही बाहर जाए ले जाती हैं. और पता है मैं हमेशा उनके साथ यही करती रहती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है उनके संग ये करना. तो बस मैं बार बार अपनी चुन्नी रख देती हूँ और उठा लेती हूँ. तो बस यही कुछ होता है. तो चलो अब कर लेते हैं अपना थोड़ा सा काम. तो बस यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ, ये मॉर्निंग का टाइम था. तो बस मॉर्निंग में मैंने अपना मॉर्निंग में मैंने अपना लंच बना लिया था. तो लंच के बाद यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं सबके लिए नाश्ता. तो बस नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ आज नमकीन सिवैया. तो बस नमकीन सिवैया मैंने ले ली है, उन्हें मैं कर सिवैयों को मैं कर ले रही हूँ यहाँ पे फ्राई यानी कि अकोड़ ले रही हूँ. हमारे यहाँ तो यही कहते हैं यानी कि फ्राई कर ले रहे हैं. तो बस थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया. तो ऑयल डालने के बाद हल्का हल्का मैं इन्हें एकदम गोल्डन ब्राउन कर लूँगी अच्छे से. तो बस धीरे धीरे इन्हें चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी. अगर छोड़ दूँगी तो ये जल जाएंगे, मीन्स नीचे से लग जाएंगे, जल जाएंगे, तो इनका जो टेस्ट है वो भी बहुत बेकार हो जाएगा. तो बस धीरे धीरे करके चलाते ही रहना है बस इन्हें. तो बस यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके चला ही रही हूँ और आकांक्षा के संग थोड़ी बहुत मस्ती हो जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है सुबह मॉर्निंग में. तो बस यही कुछ थी, यही कुछ है क्लिप मेरी नमकीन सिवैया. तो बस मैं कुछ इस तरीके से बना लेती हूँ अपनी नमकीन सिवैया नाश्ते में. तो यहाँ पे मेरी हो चुकी थी, आप देख ही सकते हो यहाँ मेरी गोल्डन ब्राउन हो ही चुकी हैं यहाँ पे. तो बस गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही मैंने अब गैस बंद कर दी है. अब मैंने निकाल लूँगी गैस, मेरी गर्म कढ़ाई मेरी गर्म थी तो इस वजह से यहाँ पे मैं चलाती ही रह रही हूँ ताकि जो मेरे जवे हैं वो नीचे से जले ना, इस वजह से मैं उन्हें चलाती रह रही थी. अब मैं निकाल ले रही हूँ अपनी प्लेट में. अगर मैं कढ़ाई में ही छोड़ दूँगी उन्हें तो ये थोड़े से जल जाएंगे. तो बस अब मैं इसके बाद चली जाऊँगी अपना प्याज वगैरह पीसने के लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ प्याज पीस के आज बना रही हूँ. कभी कभार मैं ऐसे ही मतलब हर तरीके से बना लेती हूँ यार. एक तरीका नहीं है कि हमेशा प्याज पीस के ही बनाना है. जब ज़्यादा टाइम हो तो प्याज पीस के बना लो यानी कि प्याज का पेस्ट बना लो. तो बस मैं आ चुकी थी यहाँ पे प्याज पीस के अपना. तो बस कढ़ाई में मैंने डाल दिया है अपना ऑयल. यहाँ मैं प्याज में ऐड कर दूँगी. अब यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ज़ीरा. तो ज़ीरा के बाद हल्की सी डाल दी है हींग. बहुत टेस्ट अच्छा आ जाता है हींग डालने के बाद. तो बस यहाँ मैं अपने प्याज के पेस्ट में आप लोगों को यही दिखा रही हूँ कि मैं मसाले ऐड कर रही हूँ. तो वही अपने चार मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया मैंने यहाँ पर अपना ऐड कर दिया है. और कढ़ाई को मैंने ज़ीरा और हींग डालने के बाद यहाँ पे मैं बंद भी कर दी है मैंने कढ़ाई, ताकि मेरी कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद मैं मसाला ऐड कर सकूँ अपनी कढ़ाई में. तो बस मसाले में मैंने भी ऐड कर दिया है यहाँ पे अपना पानी भी ऐड कर दिया है. तो चलो डाल लेते हैं अपनी कढ़ाई में मसाला. मसाला मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए. इसे एक मिनट के लिए ही मैं इसे हल्का सा पकाऊंगी. उसके बाद देन मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी अपने टमाटर. फिर उसके बाद छोड़ दूंगी मैं थोड़ी देर के लिए, जब तक इसमें से ऑयल किनारे ना छोड़ जाए. तो ऑयल वो टमाटर और हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ अब, ताकि मेरे टमाटर भी पक जाएंगे. इसमें मैंने आलू वगैरह ऐड नहीं किया है. वैसे आप लोग सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा लगता है सब्जियां वगैरह ऐड कर दो तो हेल्दी हो जाएंगी, हेल्दी नमकीन सिवैया बन जाएंगी. तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे मेरा ऑयल कितने अच्छे से छोड़ ही चुका है, टमाटर भी मेरे अच्छे से गल गए हैं. तो चलो ऐड कर दिया यहाँ पर मैंने अपनी नमकीन सिवैया. तो बस अच्छे से मैंने कोट कर लूँगी मसाले में, ऐड कर दूँगी पानी और ढक के पका लूँगी. तो बस कुछ इस तरीके से ही मैं बना लेती हूँ अपना नाश्ते में. कभी कभार ही बना पाती हूँ, जैसे आप लोगों को मालूम है सुबह मॉर्निंग में हमारे यहाँ जल्दी ही खाना बन जाता है. तो यहाँ पे मेरे को टाइम अगर आप लोगों को बता दूँ तो टाइम हो रहा था 8 बज रहा था. यहाँ मैंने अपना सुबह मॉर्निंग का सारा काम निपटा के, मीन्स
खाना वगैरह मॉर्निंग को बना के लंच वगैरह पैक करके लिए सबके लिए खाना बना के रेडी कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे नमकीन सेवैयाँ बनाने के लिए आई थी कि हाँ चलो नाश्ता कर लेंगे फिर सब लोग साथ में बैठ के। तो बस यही कुछ होता है हमारा सुबह का मॉर्निंग रूटीन, बहुत ही कम दिखा पाती हूँ। तो बस वहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया था, पानी के बाद यहाँ पे मेरा उबाल भी आ चुका है। तो बस अब मैं धीमी गैस कर दूँगी, इसे 10 मिनट के लिए पकाऊँगी ढक के अच्छे से, उसके देन उसके बाद ऐड करूँगी मैं मैगी का मसाला। तो बस यहाँ मैंने आप देख ही सकती हो धीमी गैस भी कर दी, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि 10 मिनट के लिए पकाएंगे इसे। तो बस 10 मिनट हो चुके थे जवे मींस नमकीन सेवैयाँ मेरी पक भी चुकी थी। आप लोग देख ही सकते हो कि कुछ कितना अच्छा लुक आ गया है, मींस कितने अच्छा लग रहे हैं मेरी नमकीन सेवैयाँ। यहाँ ऐड कर दूँगी मैं अपना मैगी का मसाला। एक मैगी का मसाला अच्छा मतलब सही लगता है, एक मैगी का मसाला ऐड कर दो इसमें तो काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और अच्छे भी लगते हैं। और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है कि हाँ चलो बाहर की चीज़ें ना खाएं, बच्चे घर की ही चीज़ें खा लें तो काफ़ी अच्छा है। तो बस यहाँ पे आज मैंने मिर्च भी बहुत ही कम डाली थी कि बच्चों को खाना है इस वजह से। तो बस तो चलो सर्व कर लेते हैं सबके लिए। यहाँ मैं सबके लिए सर्व कर ले रही हूँ। वहाँ मेरे को ब्रेड भी बच्चों के लिए सेकनी थी। तो बस यहाँ पर पहले मैं सर्व करके सबको दे आऊँगी। तो सबके लिए मैंने यहाँ पे लगा ले रही हूँ प्लेट में, सर्व कर ले रही हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमने सर्व करके खा भी लिया था। तो अब मेरा ये टाइम हो गया है कुछ दोपहर का। दोपहर में आए थे हमारे यहाँ मेहमान, तो मेहमानों की तो मैं बना नहीं पाई वीडियो, मींस मेहमान में आई थी हमारी निधि बुआ, जो कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया है। जब मैं दीदी के घर गई थी तब मैंने आप लोगों को दिखाया ही था। तो बस कुछ उस तरफ मेरी बन रही है चाय, चाय में मैंने ऐड कर दिया है दूध। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ आज पोहे की नमकीन, पोहे वाली नमकीन बनाने जा रही हूँ। तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँ, और नाश्ता भी रेडी हो जाएगा उन लोगों का और आप लोगों से शेयर भी कर दूँगी। तो बस कुछ वही दोपहर का 2 करीबन बज रहा होगा मे बी। तो बस यहाँ पे मैंने अपने पोहे वाले नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद मैंने वहाँ पे एक छोटा सा प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दी है। वहाँ पे मैंने निकाल ली अपने पोहे। मैंने देखा पोहे कम है, उसमें पोहा थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे। तो बस मैं दूसरा पैकेट निकाल लूँगी। तो दीदी आई थी वहाँ पे, दीदी देख रही थी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं उन्होंने बता रही थी कि मैं यहाँ पे पोहे वाली नमकीन बना रही हूँ। तो वहाँ बस यहाँ मैं और निकाल ले रही हूँ। बस अब मेरा प्याज हो चुका है थोड़ा गोल्डन ब्राउन। इस प्याज को हल्का ही गोल्डन ब्राउन करना है, बिकॉज़ हम लोग जब इसे भूजेंगे, पोहे को भूंजेंगे ना, तो मतलब अपने आप ही वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा अच्छे से प्याज। तो बस यहाँ मैंने ऐड कर दिया है पोहा अपना। तो पोहा मैंने ऐड, यहाँ पे जो मेरा पोहा है ये पूरा साफ था, इस वजह से अगर मैं जैसे खुला पोहा लाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ निकलता है। यहाँ पर मेरा पोहा एकदम क्लीन था, यहाँ मेरा पोहा एकदम फ्रेश था, तो मैंने डाल दिया है अपनी कढ़ाई में। तो बस अब मुझे इसे चलाते रहना है, बिल्कुल भी 2-3 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है, बस चलाते ही रहना है, क्योंकि पोहा जल्दी से नीचे लगने लगेगा, यानी कि जलने लगेगा। और एकदम मैंने फ्लेम, जो गैस की फ्लेम है वो एकदम धीमी कर रखी है। तो बस यहाँ पे मुझे सिर्फ ऐड करना है, वैसे आप लोग सिर्फ नमक ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया, हल्की सी मिर्च ऐड करी थी, थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया था सिर्फ और कुछ नहीं। तो बस अब मैं इसे चलाती रहूँगी। दूसरी तरफ मेरी चाय बनी रही है, तो अभी चाय खोल गई है, तो मैं उसे धीमी कर दूँगी अपनी चाय को। तो बस यहाँ पे मैं उसे चलाती ही रहूँगी ताकि पोहा बिल्कुल भी ना जले और एकदम करारा, यानी कि एकदम क्रंची बन के निकले। तो बस यहाँ पे देख लीजिए आप लोग चाय, जब चाय में ऐसा उबाल आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इस वजह से मैं बना लेती हूँ वीडियो, काफ़ी मुझे पसंद है। तो बस यहाँ देख लेते हैं अपने पोहे। तो यहाँ पे मेरे पोहे बनके रेडी हो चुके थे, मींस मैंने बहुत देर तक से चलाती रही थी, जब तक रेड हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए पोहा तब तक से चलाते रहना है। तो बस अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपना कुछ, यहाँ पहले मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, बिकॉज अरब दूध मांग रहे थे तो उनके लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट आलू भुजिया ऐड कर दी है उसमें, अपने पोहे में और पोहे नमकीन पोहे में। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी थोड़े से कुछ मूंगफली के दाने और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। सो गाइस बन के तैयार हो गई है मेरी नमकीन, पोहे वाली नमकीन, काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, कभी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। 2 मिनट यानी कि 5 मिनट में बन जाती है और काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। घर में अगर कुछ ना हो, नमकीन वगैरह ना हो, तो ऐसे कुछ तरीके की नमकीन बना लीजिए, काफ़ी ही अच्छी टेस्ट से लगती है, खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है।
सो गाइज अब मैं करने जा रही हूँ, अब मैं यहाँ पे सर्व कर लूँगी सबके लिए, यानी कि चाय और नाश्ता सर्व कर लूँगी। तो बस मैंने सोचा था कि हमारी निधि बुआ आई हैं तो वीडियो बनाएं, बट क्या था उन्होंने वीडियो क्या मैं बना भी नहीं पाई, और फिर उन्होंने बोला नहीं मेरी मत बनाओ, तो बस नहीं बना पाई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो बस नहीं बना पाई। तो यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ नाश्ता, यानी कि यहाँ मैं बिस्किट निकाल लूँगी, उस तरफ मैं पोहे और अपने नमकीन निकाल लूँगी, देन उसके बाद मैं चाय भी निकाल लूँगी, 3 कप चाय, क्योंकि मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि मैं चाय पीती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पे मैं 3 ही कप निकालूँगी वहाँ अपनी चाय। तो यहाँ मैं निकाल ले रही हूँ पहले नमकीन, फिर मैंने यहाँ पे अपने सुबह मॉर्निंग में जवे बने थे तो वही याद आ रहा है जवे। तो यहाँ मैंने निकाल लिए है अपने पोहे वाली नमकीन के बाद यहाँ मेरी तीनों चीज़ निकल चुकी है। सो बस यहाँ मैं निकाल लूँगी अपनी चाय। सो गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो लोग वीडियो पे नए आए हैं लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके ही जाना। जैसे कि आप लोगों को मालूम है गाइज आप लोगों का 1 लाइक हम लोगों के लिए बहुत ही मायने रखता है, तो प्लीज़ गाइज आप लोग वीडियो पे आते तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। सो गाइज वीडियो मेरी फैमिली फ्रेंड के संग ज़रूर शेयर करना। सो गाइज मैं चलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय, लव यू ऑल।